हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए अमेजिंग फैक्ट्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है तंजौर पेंटिंग्स। तंजौर पेंटिंग्स जो हैं वो तंजौर से ऑब्वियसली जुड़ी हुई हैं। तंजौर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। इन पेंटिंग्स को आप चोल डायनेस्टी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली अपना रूप अपना फॉर्म ले पाई 16th century में। इन पेंटिंग्स को इस तरीके के कागज़ पर तो बनाया जाता है, लेकिन वुडन प्लैंक्स पर भी इन पेंटिंग्स को तैयार किया जाता है। इन पेंटिंग्स की सबसे खास बात होती है जेसो वर्क या फिर रिलीफ वर्क। अगर आप इस पर्टिकुलर पेंटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा, इस पेंटिंग का कुछ हिस्सा उभरा हुआ है और वो उभरा हुआ जो काम है उसे ही रिलीफ वर्क कहते हैं। इसे चॉक पाउडर के पेस्ट से तैयार किया जाता है, जिसमें आर्टिस्ट उस पूरी पेंटिंग को 3D लुक देने की कोशिश करता है। एक और खास बात जो इस पेंटिंग से जुड़ी है वो है प्रीशियस स्टोन्स का यूज। आपको जेम स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स भी इसमें लगे हुए देखने को मिलेंगे, जड़े हुए देखने को मिलेंगे। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस की पेंटिंग्स इसमें बनाई जाती है और सबसे बेहतरीन जो थीम है जिस पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो है स्माइलिंग कृष्णा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी आप इस पर्टिकुलर पेंटिंग में भी देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे मेन डेटी हैं लॉर्ड राम और उनकी वाइफ गॉडेस सीता, उनको बिल्कुल सेंटर में दर्शाया गया है। ये पर्टिकुलर पेंटिंग जो है ये अपने रिलीफ वर्क और 3D लुक के लिए जानी जाती है। वुडन प्लैंक पर भी इसे बनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए तंजौर पेंटिंग्स को और किस नाम से जाना जाता है। मैं इसका जवाब दूंगी आपको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।